तो सबको नमस्कार भाई, कैसे हो आप सब भाई। 3-4 दिन से वीडियो बन नहीं रहा था, तो आज सुबह दुकान खोला। दुकान खोलते ही भाई एक आया डीलक्स का साइलेंसर, जो कि बहुत आवाज़ कर रहा था रनिंग कंडीशन में, तो कस्टमर भी परेशान था। 2-3 जगह दिखवा करके अपने पास आया गाड़ी। तो जैसे ही मैं इसको खोला, खोलने से पहले तो भाई सबसे पहले मुझे जो है ना, इसका स्टील का जो क्रोम प्लेट था, इसका जो है स्क्रू जाम लगा मेरे को, खुल नहीं रहा था। तो ज़बरदस्ती करने से अच्छा है कि हल्का सा लाल कर लो इसको, लाल करके जो इसका रस्ट रहता है वो निकल जाता है, वो उसके बाद प्यार से खुल जाता है। ये भी देखो खुल जाएगा आराम से, ये देखो खुल गया, आराम से खुल गया। तो वैसे ही मेरे को लगा कि बगल वाला ठीक होगा, लेकिन वो भी वैसे ही जाम था। तो भाई बूस जो है जल जाता है गर्म करने पर, लेकिन 10-12 रुपये का बूस आता है इसका रबड़ का, वो मिल जाता है कहीं भी मार्केट में, उसको लेके आप लगा सकते हो, खुद ही लगा सकते हो। इसको भी वैसे ही लाल कर लिया, लाल करने के बाद जो है ये भी बहुत अच्छे से खुल गया, देखो खुल गया, इतना प्यार से खुल गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अभी चलो इसको पहले चेक करते हैं कि इसमें कहाँ क्या दिक्कत है। मेरे को तो पहले डाउट जो है सामने ही लगा था, लेकिन फिर भी कस्टमर का ये कहना था कि भैया पीछे से आवाज़ आ रहा है, तो मैं बोला कि चलो पीछे भी देख लेते हैं। पीछे तो अच्छे से कटिंग वगैरह कर लिया, बहुत अच्छे से कटिंग करना पड़ता है, अगर मैं ऐसे ही कर दूँ तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ये मेटल ही अलग रहता है, ना लोहा रहता है ना कुछ, पता नहीं कौन सा मेटल है, मेरे को भी नहीं पता। वेल्डिंग भी बहुत मुश्किल से होता है ये देखो। अभी इसको बढ़िया से काट कर इसको निकालना भी है, ताकि ये ख़राब भी ना हो। प्यार से इसको पहले निकाल लो, हल्का सा ठोक लो, बस ये देखो अभी ये निकल जाएगा। ये देखो ये आ गया, निकल गए। इसको निकाल लिया था भाई मैं, देखो भाई बुरा मत मानना, क्या है कि अंदर का जो काम है मैं इसको दिखा नहीं सकता। जो भी मिस्त्री भाई है भाई, थोड़ा अपने दिमाग से भी कर लिया करो, लेकिन जो काम किया हूँ बहुत अच्छे से किया हूँ। अंदर का जो पाइप था वो टूटा हुआ था, मैं बता भी दे रहा हूँ, अंदर का पाइप टूटा हुआ था। हाँ, 2 पाइप रहता है, वो टूटा हुआ था, तो मैं उसको बस वेल्डिंग बस मारा हूँ, और एक दो जगह और भी उसका जो है ना, जो टीना का जो रहता है वो झड़ के गिरा हुआ था, वो भी आवाज़ कर रहा था, तो मैं इसको निकाल दिया था। इसको पैक करके बढ़िया से वेल्डिंग वगैरह मार दिया। देखो अभी वेल्डिंग मारने में बहुत दिक्कत हो रहा है, वेल्डिंग में सही से फिनिशिंग से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये मेटल ऐसा है कि इसको वेल्डिंग मारते रहो, ये अपना जो है ना इधर से उधर गल के इधर से उधर फैलता रहता है, देख सकते हो। हो गया भाई ये वेल्डिंग। अभी जो है मेन काम जो है सामने का था, सामने से भी आवाज़ आ रहा था, तो सामने का जो मुंडी रहता है ना, इसमें रहता है दो पाइप रहता है, उस दो पाइप को जो है गला करके वेल्डिंग मारना रहता है। लेकिन वो दो पाइप को मारने के लिए भी भाई, ऐसा नहीं है कि बस मैं जो बोल दिया वो हो गया फटाक से वेल्डिंग, बहुत पंचायत रहता है इसके लिए भी। वेल्डिंग मारो, चेक करो, फिर आवाज़ आ रहा है, फिर खोलो, फिर मारो, लगे लगे मारेंगे, अगर गलती से अगर गाड़ी मार पकड़ लिया ना तो दिक्कत हो जाएगा बहुत। तो बस भाई वेल्डिंग वगैरह हो गया। भाई मैं चेक करने का वीडियो मैं बनाया नहीं हूँ, बस ऐसी वीडियो देखने के लिए भाई मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, मैं ऐसी वीडियो लाते रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के बने रहिएगा मेरे चैनल सिकंदर ब्लॉग में।